मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो, मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो, अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो, तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्या चाहता हूं, अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो, आया तुम इस घर में रहना चाहती हो या नहीं। अरे आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है मेरा रिएक्शन बहुत स्ट्रांग था उस दिन। बार बार इस बात को क्यों दोहराती, मैंने कहा ना कोई बात नहीं। उसका बस सलीना तो मुझे बर्बाद ही कर दे, वो फरहान से इस तरह की बात करने का यही मतलब है कि वो मेरा घर तबाह करना चाहती है। हम आज रात को सना की तरफ जा रहे हैं और तुम फरहान के सामने ये एडमिट करोगी कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और सना से माफी मांगोगी। ना मैं वहां जाऊंगी और ना ही मैं किसी से माफी मांगूंगी। माफी तो तुम्हें मांगनी होगी मना। नहीं मांगूंगी मैं किसी से माफी। नहीं आप प्रॉमिस करें आप मुझे उधर तो नहीं भेजेंगी ना। नहीं कभी नहीं भेजेंगी ना। खुदा हाफिज़। बीमार है वो, गाजी सख्त परेशान था और मैं शर्म के मारे मरा जा रहा हूं। क्या सोचते होंगे उसके घर वाले और खुद मिनाल भी कि ये ख्याल रखा हमने उसका। कामी गाड़ी निकालो। आप नहीं जाएंगे उसकी तरफ बाबा। होश में तो हो, बीमार है वो। कोई बीमार नहीं बाबा, बिल्कुल ठीक है वो, ड्रामा कर रही है, आपको बेवकूफ बना रही है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। तुम कुछ भी कहो और कुछ भी समझो लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं मिनाल को देखने जा रहा हूं और हो सका तो उसे लेकर आऊंगा। मैंने कहा ना बाबा नहीं जाएंगे वहां पे, ये मेरा और उसका मामला है और किसी को हक नहीं पहुंचता बीच में दखल देने का। ये तुम मुझे कह रहे हो? मुझे? मैंने कहा ना बाबा हमारे मामले में दखल मत दीजिए। ठीक, वो फोन नहीं उठाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरा फोन ना उठाए। क्या हुआ? उसने फोन ऑफ कर दिया। फोन बंद कर देने का मतलब तो यही है कि वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करना चाहता? जब बात हुई थी तो उसने यही कहा था कि वो मिनाल को लेके घर से निकलने वाला है। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। सीधी सी बात है सना, लेकिन अगर तुम नहीं समझना चाहती तो यह अलग बात है। आजर अगर अभी तक यहां नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है कि वो अपने घर से निकला ही नहीं।
मनाल ने यहां आने से और माफी मांगने से इनकार कर दिया होगा। आजर के सामने इतनी जुर्रत नहीं हो सकती उसकी, और मिनाल को तो माफी मांगनी होगी, बल्कि वो क्या, उसका पूरा खानदान मुझसे माफी मांगेगा। तुम देख लेना मैं क्या करती हूं। मसलन क्या करूंगी तुम, मैं भी तो सुन। वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वक्त का सच तो यही है कि वो नहीं आएगी। आसर को उसके चुंगल से निकालकर ही दम लूंगी मैं। आसर अगर उसके चुंगल से निकल भी गया तो क्या फायदा, अब तो उसे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुम तो उसके हाथ से निकल गई। आजर और मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, और अगर आजर की शादी किसी अच्छी लड़की से होगी तो जाहिर है सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। तो तुम ढूंढोगी लड़की उसके लिए? हाँ डेफिनेटली, मैं नहीं ढूंढूंगी तो कौन ढूंढेगा। तुम ढूंढोगी लड़की उसके लिए। अलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बाबा। हो सकता है कि वो काफी अरसे से बर्दाश्त कर रही हो। गाजी कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। एनीवे, वीकनेस काफी है, ये दवाएं भी कुछ दिन जारी रहेंगी। फिक्र की तो कोई बात नहीं, नहीं बस कोशिश करो कि वो खुश रहे। उसके जहन पे जो भी बोझ है उसे वो शेयर करे, लेकिन जबरदस्ती कुछ मत पूछना। अपनी मर्जी से वो जो भी बता दे। उसकी गिजा का खास ख्याल रखना है तुम्हें, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा सर। और हाँ, मिनाल की तबीयत बेहतर हो जाए तो उसके कुछ टेस्ट करवाने हैं। मेरा अंदाजा है शायद, चलो फिर बात करेंगे। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान देना है। जी है तो जहान है, बात कोई भी हो, किसी भी बात पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। खाओ बेटा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन जो कुछ तुम्हारे दिल और दिमाग पर गुजर रही है ना, मैं उसको महसूस जरूर कर सकती हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, बस इतना याद रखना कि इन हालात को देखते हुए तुम जो भी फैसला करोगे हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुमने हमेशा अपने दिल की सुनी है ना, इस बार भी ऐसा ही करना। खुद पर भरोसा रखो बेटा, दुनिया की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। किसी भी बात को बोझ मत समझना। अगर किसी भी बात को बोझ बना लिया जाए ना तो वो पहाड़ की तरह हो जाती है। और अगर किसी मसले को हल करने की ठान लो तो वो रुई की तरह हल्का होकर उड़ जाता है। मत परेशान, खाओ बेटा, चल जल्दी खाओ।
खत्म करो इसे। मुझसे तो मनाल की हालत देखी नहीं जा रही। आशा बाजी, हमें खुद को मजबूत करना होगा मिनाल की खातिर, मतलब उसका ठीक होना मुश्किल है। आसिम कह रहे थे कि उसके जहन पे कोई दबाव है, कोई 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 फिक्र है, कोई परेशानी है जिससे वो निकल नहीं पा रहे। ऐसा क्या दुख लगा लिया है उसने? आजर ने किया क्या है आखिर उसके साथ? तुम अभी आजर को बुलवाओ और पूछो उससे। आशा भाई, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, मसलियत से बात करनी पड़ेगी। भाड़ में गई ऐसी मसलियत, किस हाल में पड़ी है मेरी बच्ची? आजर ने पलट कर पूछा, कैसी है उसकी बीवी, किस हाल में है? खैर, अब ऐसा भी नहीं है। अहमद भाई का फोन आया था ना, बहुत परेशान थे वो। बहुत परेशान थे, कल आने को कहा था उन्होंने, अब तक नहीं पहुंचे, ना दोबारा पलट कर फोन किया। अरे वहां किसी को एहसास नहीं है मेरी मनाल का, तुम मान क्यों नहीं लेते गाजी? मैं करता हूँ आजर से बात, आप बस मिनाल से कोई सवाल मत पूछिएगा, अगर वो बता दे तो ठीक है, ये मैं नहीं डॉक्टर कहकर गया। लगता है आजर ने मनाल को काफी कुछ कह दिया, तभी वो अपने अम्मी के घर चली गई। और वैसे भी मनाल आजर के गुस्से का मुकाबला कैसे कर सकती थी? वो सिर्फ इसलिए चली गई ताकि उसको मुझसे माफी ना मांगनी पड़े। तुम्हें ये कैसे पता? असल बात तो यही है फरहान, कि मिनाल आजर के काबिल ही नहीं थी। उसने मासूमियत का जो खोल खुद पे चढ़ा रखा है ना, उसमें बहुत अट्रैक्शन है। जब ही आजर और तुम दोनों ने ही उसे हासिल करने की कोशिश की, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे तुम दोनों, है ना? अरे बेगम, वो सब बातें तो पुरानी हो गई, और मेरा इंटरेस्ट भी तो वक्ती तौर का था ना, मैं सब भूल भुला चुका हूँ यार, खास तौर पे तुम जैसी खूबसूरत बीवी को हासिल करने के बाद। मिनाल उसके घर से तो जा चुकी है, लेकिन उसके साथ उसके दिल से भी जा रही है, या शायद दिल से भी जा चुकी है। सना, तुम्हें देर हो रही है? ओ हाँ, मैं भूल गई थी। ओके बाय। ओके बाय, हैव फन। खुशफहमी है तुम्हारी सना, वो उसके दिल में रहेगी, लेकिन एक पछतावे की शक्ल। मैंने आपको भी परेशान कर दिया ना मामू? फिर बेवकूफी की बातें कर दी तुमने हमेशा की तरह। अच्छा अच्छा, यूं करते हैं कि बाहर चल के बैठते हैं, खुली फिजा में बहुत अच्छी सी चाय पिए। बल्कि मैं यूं करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ पकाता हूं। क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। कभी कहना नहीं मैंने तुमने। अच्छा मामू, आसर का कोई फोन आया? हाँ आया था, बल्कि दो तीन बार आया, तुम्हें पूछ रहा था। उसकी जॉब की नौबत इस तरह की है कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं तुम्हारी तबीयत का उसको बताऊं, अब इसलिए बस मैंने। मेरे फोन पे तो कोई कॉल नहीं है, वो मुझे भी तो कॉल कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं करी। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना, सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए उन्हें आपको भी कोई कॉल नहीं। देखा देखा, वो आ गया, मैं जानता था कि वो जरूर आएगा, वो तुमसे लापरवाह हो ही नहीं सकता। मैं आजर को लेके आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं ये फूल मनाल के लिए लेके आया था, सुना है उसकी तबीयत सही नहीं है, तो इसे बस खैरियत पूछने आ गया। तुमसे किसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है? सना ने। क्या इस वक्त ये पॉसिबल है कि मैं मनाल से मिल सकूं? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मिल नहीं सकती किसी से, डॉक्टर ने मना किया। हाँ श्योर, उसे आराम करना भी चाहिए। मैं फिर कभी आ जाऊंगा, लेकिन आप ये फूल मनाल तक जरूर पहुंचा दीजिएगा प्लीज। मुझे आसिफ के रवैये का बहुत दुख हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मनाल के साथ ऐसा भी कर सकता। ये उन मियां बीवी का मसला है, वो खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर, ठीक है मैं चलता हूँ, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फरहान लेकर गया। फरहान? लेकिन उन्हें कैसे पता चला मैं यहाँ? सना ने बताया उसे। आपको उनसे ये फूल नहीं लेने चाहिए थे। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था, लेकिन वो तो तुमसे मिलना चाह रहा था। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम किसी से मिलना नहीं चाहती। अच्छा क्या? बाबा बहुत बदल गए हैं, उन्हें तुमसे ज्यादा मिनाल की परवाह है। कमाल है, जबकि तुम उनके बेटे हो और मिनाल। तू मोहब्बत, तू ही आदत, तू मोहब्बत, तू ही आदत। तुम तो जानती हो आजकल सारी एड एजेंसीज समर कैंपेन्स इसी तरह की बना रही हैं। देखो हमें देखना है कि हमारा आइडिया सबसे यूनिक कैसे हो। जहाँ किसी की सोच नहीं जा सकती ना, वहां तुम्हारी सोच पहुंच सकती। Amazing. क्या कर रहे हो? आराम से काम किया करो। क्या ये बर्तन तोड़ने? शुक्र है हमसे बर्तन भी नहीं टूटते, वरना लोगों को तो रिश्तों की भी परवाह नहीं होती, उन्हें भी तोड़ देते। क्या इस कामी का दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रहा था ये? तुम लोगों ने ना सर पे चढ़ा के रखा इसको, मेरा बस चलता ना तो मैं इसे घर से निकाल बाहर करती। छोड़ो, इग्नोर हिम। मूड खराब कर दिया सारा। मैं बाबा से इसकी शिकायत करूंगी, बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा ही मुझसे। बाबा कहाँ हैं? अपने कमरे में। बाबा से बात करने कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी मुझसे नाराज है कि मनाल घर छोड़ के चली गई है, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते वो। कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसकी वजह से मिनाल घर छोड़कर ही चली गई। अगर उसे सॉरी नहीं कहना था तो ना कहती, तुम उसे घर से थोड़ी निकाल देते। कामी, गाड़ी निकालो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आए ना बैठे। एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बैठो तुम लोग बैठो। बाबा वो, तुम घबराओ मत, मिनाल से मिलने नहीं जा रहा, मुझे मियां बीवी के मामलात में बोलने का कोई हक नहीं,
ये बात मैं भूला नहीं। कामी, बाबा बहुत बदल गए हैं, उन्हें तुमसे ज्यादा मिनाल की परवाह है। कमाल है, जबकि तुम उनके बेटे हो और मिनाल। रूमी का कई बार फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रही। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, इसलिए फोन बंद रखा हुआ। अनचाही आवाजों को न सुनने का सबसे अच्छा तरीका तो यही, लेकिन जो अपने अंदर से आवाज आ रही होती है उसको तो सुनना पड़ता है ना बेटा। हालांकि वो सबसे ज्यादा तकलीफ देह होती, लेकिन इंसान बर्दाश्त कर ही लेता है। और जो बाहर से आवाजें आ रही होती है ना, हालांकि इंसान उनको सुनना नहीं चाहता, लेकिन क्या खबर जो वो कहना चाह रहे हो वही हम सुनना भी चाह रहे हैं। पता है आपने सबसे अच्छी क्या बात है मामा, आप तारीखी में भी चिराग जलाए रखने का हुनर जानते हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं होता, खासकर मैं तो बिल्कुल भी। अच्छा चले छोड़ें, मेरे पास कुछ अच्छा बताने को नहीं है, लेकिन आपके पास तो है। नीलम आंटी के बारे में क्या प्लान है? से क्या प्लान हो सकता है, हम अच्छे दोस्त थे और है, मंगेतर भी तो थे। मंगेतर थे है नहीं, अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कल क्या गिफ्ट लेना चाहो? कुछ नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ये कैसे हो सकता, पहले तो तुम बड़े हक के साथ अपना तोहफा वसूल किया करती थी मुझसे। लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, शादी भी क्या चीज है, कुछ ही महीनों में एक हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची को खींच तान कर इतना बड़ा कर दिया कि वो अपनी शरारतें ही भूल गई। अच्छा तुम बताओ या ना बताओ, गिफ्ट तो तुम्हें मिलेगा ही। अच्छा भाई तुम खाओ तो सही, मैं छिले जा रहा हूं क्या, मैं बेवकूफ हूं? कामी मेरे लिए भी खाना लगा देना। कामी मेरा खाना कमरे में ले आना। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए वो बहुत सख्त थे। सख्त वो लफ्ज सख्त नहीं थे, सफाक थे, जिन्होंने एक पल में मुझे अपने से गैर बना दिया। मेरी अपनी औलाद ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं उनके मामलात में बोल नहीं सकता, इसलिए कि मैं इस काबिल ही नहीं। बाबा नहीं प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं बाबा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा तो मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
ठीक है, कल मिनाल की सालगिरह है। और मैं चाहता हूं कि वो अपनी सालगिरह अपने घर में मनाए। तुम जाओ और उसे लेकर आओ। पापा लेकिन बहुत जिद्दी है वो, फोन तक उसने बंद रखा हुआ है, उससे बात तक नहीं करना चाह रही वो। फोन इसलिए बंद किया हुआ है उसने कि वो चाहती है कि तुम खुद जाओ उसे मनाओ और उसे लेकर आओ। मुझे चुकाना चाह रही है वो बस। तो इसमें बुराई क्या है? मोहब्बत में तो चुकना चुकाना नहीं होता। तुम तो उससे मोहब्बत करते हो, क्या तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो चुकी है? किसी की बात मान लेना, किसी के लिए कुछ करना झुकना नहीं होता। अपने दिल में झांक कर देखो और वहां से जवाब लो कि क्या अब तुम मिनाल के बगैर रह सकते हो? गाजी, गाड़ी लेने आया था। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गई आपको अपनी गाड़ी की, अब तक जरूरत नहीं पेश आई। वो घर के आसपास रिक्शा टैक्सी सब कुछ मिल जाता है तो काम चल जाता है, आज सोचा गाड़ी ले आओ। चलो बैठो ना, कोई चाय कॉफी पीते हैं या कुछ ठंडा पियोगे? नहीं थैंक यू, मैं बस जल्दी में। भाई बैठो ना, जल्दी क्या है? मिनाल की वजह से परेशान, घर छोड़कर आ गई, लगता है उसका मियां के साथ कोई झगड़ा हो गया। बहुत ही सीरियस सी बात हो गई खालिद। ओहो, कुछ पता है क्या हुआ? तबीयत संभलेगी तो खुद ही बता देगी, मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कोई आइडिया तो होगा तुम्हें कि व्हाट वेंट रॉन्ग? नहीं कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, तो मैं उसे चेयर अप करना चाहूँ, कल उसकी बर्थडे है। और अगर तुम आ जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। अच्छा ये बताओ उसको पसंद क्या है, क्या लेकर आऊँ उसके लिए गिफ्ट? एनीथिंग, उसको परफ्यूम्स बहुत पसंद है। चलो आई विल बाय अ नाइस परफ्यूम। थैंक यू, मैं चलता हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Manal, happy birthday to you. आज तुम्हारा बर्थडे है, एक नए और खुशगवार साल का आगाज। लेकिन ये जिंदगी के सबसे बदतरीन साल की शुरुआत भी तो हो सकती है। लगता तो ऐसा ही। बुरी बात मुंह से नहीं निकलती, और खबरदार अगर आईने उदास होने की कोशिश की बहुत नाराज हो जाऊंगा मैं। मेरे कुछ कहने ना कहने से हालात तो नहीं बदलेंगे ना मामा? हालात बातों से नहीं हिम्मत से बदले जा सकते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, इसके ऊपर बाद में बात होगी। आज का दिन खुश रहने का है और हल्ला गुल्ला करने का है। गिफ्ट खोल कर नहीं देखो, मैंने तो हाथ से छीन लिया करती। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, मैं थोड़ी देर बाद देखती। अच्छा जल्दी से हाथ मुंह धो के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मजे की हलवा पूरी लेके आया हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mona, happy birthday to you.
क्या बात है, सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, अगर तुम्हें पता चले भी शॉक में आ जाओगे। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। बाबा आप क्यों नहीं चले जाते मिनाल बाजी को लेने? वो आपके साथ फौरन आ जाएगी, एक बार भी मना नहीं करेगी आपको। पता है मुझे कि अगर मैं गया तो वो मेरे साथ आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज़र खुद उसे लेने जाए, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, पूरे एहतराम के साथ लेकर आए उसे। ये वो डिजर्व करती है, उसका हक है। अल्लाह ना करे अगर आज़र भाई ना गए तो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हम कैसे हो? शुक्र है आपको किसी की खैरियत पूछने का ख्याल तो आया, वरना तो लगता है कि आप सभी को भूल चुके हैं। लगता है सभी को मुझसे कंप्लेंट्स हैं। खैर आज रात का क्या प्लान है, कोई तैयारी की? बाबा ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? आज माल का बर्थडे आप भूल गए क्या? आज मैं ऑफिस के बाद मनाल को लेता आऊंगा साथ, फिर पर्दे के काटेंगे। ये हुई ना बात, अरे इधर आओ मेरे पास। Many, many happy returns of the day, Manal. तौबा रूमी, सांस तो ले लिया करो, शादी के बाद कितना बोलने लगी। कहाँ बोलती हूँ मैं, सारा दिन तो घर में अकेले रहती हूँ, ऊपर से तुम भी अवेलेबल नहीं होती हो। तुम एक काम करो मीनार, अपना नंबर तो ऑन करो या फिर कोई दूसरी सिम ले लो मेरी खाते, बेशक तुम आज़र से बात ना करो। बहुत मिस कर रही हूँ रूमी, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही, मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। मम्मी और मामू को भी परेशान करके रख दिया मैंने। खबरदार जो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की, वो भी अपने सालगिरह वाले दिन, हरगिज नहीं। किस बात पर झगड़ा हुआ आज़र से? वैसे कुछ कुछ अंदाजा है मुझे, ये सब कुछ सना का क्या धरा है ना। यकीनन मैं ठीक कह रही हूँ, वो तुम्हारे दरमियान आज भी उसी तरह खड़ी है क्या? गलती हमारी खुद की होती है, तभी तो दूसरों को मौका मिलता। मैं आज़र की बीवी होकर भी उन्हें समझ नहीं पाई, सना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ, पर तो पढ़ना ही था। मिनाल काश तुम्हारी शादी उस वक्त फरहान से हो जाती तो आज़र और सना दोनों से छुटकारा मिलता तुम्हें। अच्छा छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। तुम सुनाओ, खुश हो ना? मुझे सोच के इतना अच्छा लगता है कि तुम और सरमत भाई यहाँ से बहुत दूर, तुम नफरत है और घुटन यहाँ है, कम से कम वहाँ तो नहीं हो। हाँ हाँ खुदा का शुक्र है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मगर तुम्हारी तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। कहाँ थे तुम? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम गाड़ी लेके कहाँ निकले हुए?
बेगम साहिबा, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए देर हो गई, वरना गाजी साहब का घर इतना दूर नहीं था, मैं जल्दी वापस आ जाता। कौन गाजी साहब? तुम किन गाजी साहब की बात कर रहे हो? वो मनाल बीबी के मामू। मनाल बीबी बीमार है ना, उनके लिए फूल देने गया था। मिनाल के लिए फूल तुम लेकर गए थे? जी हाँ, वो फरहान साहब ने खुद जाना था, मगर वो ऑफिस में काम पड़ गया था इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बुके लेके चले जाओ। तुम जाओ। जी बीबी। यारी मुकम्मल है ना? बिल्कुल मुकम्मल। अरे ओहो कामी, याद ही नहीं रहा, गिफ्ट तो लाए नहीं। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मिनाल की सालगिरह आने वाली है, मुझे पहले ही लाके रख देना चाहिए था। पापा आप परेशान जो थे, मैंने आपको इतना फिक्रमंद पहले कभी नहीं देखा जितना आप इस हफ्ते रहे हैं। इतना तो उस वक्त भी नहीं जब आजर भाई लोकअप में थे। ठीक कहा तुमने, मुझे मिनाल के जाने का बहुत दुख था, और फिर इस वजह से भी कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सका। पता नहीं वो मुझे माफ भी करती है कि नहीं। वो आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती, ये तो आप सोचिएगा भी नहीं कभी। शुक्र है अल्लाह का कि इस गधे को भी अक्ल आ गई। हाँ। बहुत परेशान फिर रहा था मिनाल के बगैर। तुम देख नहीं रहे इस शक्ल पे कैसे 12 बज रहे थे इसके? हाँ ये तो है, बहुत ही बुझे हुए थे, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत खुश खुश होकर घर से गए हैं। हाँ, अच्छा बातों में वक्त मत जाया करो, चलो काम करो। हाँ बाप, इससे भी औरतों की तरह बातें करनी बहुत आती। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे ही रहा कर, अब किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मामू जिस बात के पीछे पड़ रहा है वो तो घर वाकई छोड़ते हैं, उन्हीं की वजह से तो तैयार हुए। गाजी बहुत प्यार करता है और मोहब्बत करने वालों का बहुत हक होता है। अच्छा किया जो तुमने उसकी बात मानी। अम्मी मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे, शायद इतना प्यार मैं सिर्फ अब्बा से ही कर सकती हूँ, या फिर अहमद भाई ने तो मुझे बहुत मायूस किया। तुमने तो उन्हें बाप का दर्जा दे दिया, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो आजर के बाप तुम्हारे सुसर पलट के खबर तक नहीं ली। उनको आना चाहिए था तुम्हें पूछने के लिए, या कम से कम अपने बेटे की सफाई पेश करने आ जाते। मम्मी प्लीज छोड़े अपने बातों को। अच्छा ठीक, मेरी अकल को भी पता नहीं क्या हुआ, अपनी बेटी को परेशान कर दिया मैंने। मामू कहाँ गए? इतनी देर हो गई। बेटा काम से गया है, अभी आता होगा। सना क्या बात है, सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी शॉक में आ जाओगे। ऐसा क्या हुआ? बैठो। नहीं आई एम ओके। मिनाल और फरहान की रोजाना मुलाकात हो रही, वो रोज जाता है उसने के लिए, उसे फूल भेजता है, क्या है ये सब? आज़र तुम समझ रहे हो ना कि ये सब क्या? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मिनाल तुमसे शादी कर रही है। सना मिनाल ऐसी नहीं है और मैं उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। पता नहीं क्यों आज़र, जो मैं देख रही हूँ वो तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा, जबकि सब कुछ बहुत क्लियर है। उसे कंपनी के एम्प्लॉय और मालिक का फर्क पता चल चुका है, और शायद वो तुमसे डाइवोर्स लेने कर रही है। सर
तू मोहब्बत तू ही आदत है।